देखिए फ्रेंड, ये कितनी अच्छी बनी है और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोग को बनाने जा रहे हैं बेसन की नमकीन, जिसके लिए मैंने हल्दी लिया है और स्वाद अनुसार नमक लेंगे, और ये थोड़े से मैंने बादाम लिए जो इसमें मैं डालूँगी। तो चलिए फ्रेंड इसका डो बना लेते हैं। ये बहुत ही अच्छी लगती है खाने में फ्रेंड, और मैंने पानी लिया है। चलिए इसके डो बना के तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड मैंने इसको छलनी से चाल लिया था, जिसकी वजह से ये चिकने हो गए थे पतले। और इसमें गया हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, और फ्रेंड अगर आपको थोड़ा तीखा पसंद है तो आप इसमें थोड़ी सी मिर्ची डाल सकते हैं, लाल पाउडर की। देखिए फ्रेंड ये हमारा डो तैयार है। ऐसे आप अगर मशीन से बनाए तो इसको और टाइट करें, पर मैं मशीन पे नहीं बना रही हूँ फ्रेंड, मैं इससे हम बनाएंगे, और इसलिए मैंने डो को ऐसा रखा है। अगर आप मशीन में बना रहे हैं तो डो को थोड़ा और टाइट रख लें। चलिए फ्रेंड फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। फिर मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया, ये गर्म हो रहा है। फिर इसमें हम अपने बेटर को छानेंगे, डो को छानेंगे इसमें। फिर देखिए फ्रेंड इसको हम पूरा रब कर लेंगे, फिर उसके बाद रब करके दिखाते हैं। अभी देखिए फ्रेंड मैंने पूरे रब कर लिए हैं। देखिए फ्रेंड अब इसको थोड़ा सा पलट लेंगे। देखिए इसमें क्रंची, देखिए फ्रेंड ये हो गए हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे अपने प्लेट में। फिर ऐसे ही करके फ्रेंड हम सारे अपने डो को ऐसे ही करके सारे निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड मैंने इसको फिर से इस पर डाल दिया है। अब इसको पलट लेंगे, एक साइड से गोल्डन हो गया है, पलट लेंगे। फिर इसको भी निकाल लेंगे, ऐसे ही सारे कर लेंगे। सारे अपने बेसन के नमकीन बना लिए। अब इसमें हम थोड़े से अपने बादाम को भी भून लेंगे, तल लें थोड़ा सा, फिर उसके बाद निकाल लेंगे। फिर दिखाते हैं आपको, हमारे सब बन के तैयार हैं। देखिए फ्रेंड ये बन के तैयार हो गई है, एकदम कुरकुरी सी। देखिए फ्रेंड ये बन के तैयार हो गई है। आप इसे ज़रूर एक बार बना के खाएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।